नीतीश चाचा का नाम पहले नीतीश चाचा रखा गया, फिर पलटू राम रखा गया, अब इनका नाम महापलटू राम हो गया। अब घर वापसी है ना, अब इनका घर वापसी है, अब इनका कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारे नीतीश चाचा हैं वो आलू हैं, वो बैंगन के साथ भी अच्छे लगते हैं, मटर के साथ अच्छे लगते हैं, टमाटर के साथ अच्छे लगते हैं। वो ऐसे इंसान है बिहार के लिए जो कोई भी सब्जी इनकम्प्लीट है उनके बगैर। सुशासन की सरकार बनने जा रही है, फिर से एक बार सुशासन की सरकार। राजनीति ऐसी चीज है जो कभी कुछ भी हो सकता है। पटना में भयंकर ठंड के बीच राजनीति में गर्माहट आ गई है, कयासों का बाजार गर्म है। राजनीतिक सड़क कही जाने वाली वीरचंद पटेल में चाय की सुस्की ले रहे लोगों का जोश भी हाई है। बीजेपी ऑफिस से लेकर जदयू कार्यालय तक कयासों का दौर जारी है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए हर पहलू पर लोग विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब हमने इन लोगों से इनका विचार जाना तो सबका यही कहना था कि ये बिहार में पहली बार थोड़ी हो रहा है। आप देख रहे हैं जैसे आज चाय दुकान पे जैसे चूड़ा छना रहा है, बस आज शाम तक जो गर्मियां जो माहौल है, मौसम भी बहुत गर्माहट आ गया है और चूड़ा खा के हम लोग शाम तक या कल तक आप कुछ अच्छा बिहार का देखिएगा और बदलाव यहाँ निश्चित तौर पे होने जा रहा है। सुशासन की सरकार बनने जा रही है, फिर से एक बार सुशासन की सरकार। पहले नहीं थी, पहले तो देखिए रहे थे कि अब रात में निकलना भी मुश्किल लग रहा था, बाइक से चलना भी मुश्किल, चलते चलते मोबाइल छीन लेता था सब। इसके लिए अब सुशासन की सरकार की आवश्यकता पड़ गई है, जरूरी है। चाय यहाँ पिया जाए, पलटने दीजिए, जो भी फैसला होगा बिहार के हित में फैसला होगा। और ये कोई नया बात भी नहीं है कि किसी को अचरज हो या इस हर्ष हो, ठीक है ना, कि ये हमेशा होते आया है राजनीति में। और बिहार के राजनीति में तो आमतौर आप जान रहे कि बिना गठबंधन आज तक किसी का सरकार यहाँ नहीं बना है और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना। जो आगे का अगर उनको अच्छा राजनीति में रहना है और सर्वाइव करना है तो बिना भाजपा और बिना भगवा के साथ हुए अब बिहार में जो देश का जो अभी मन बना लिया है नहीं मुमकिन है और नहीं है, इसलिए आना ही आना है उनको और वो कहीं नहीं जा सकते। इस बार सर जरूर बदलेगा। कहाँ जाएंगे नीतीश जी तो अभी मुख्यमंत्री जी को हम नहीं कह सकते हैं अभी कहाँ जाएंगे, बाकी ऐसा हो सकता होगा, ऐसा आए समय आएगा तो वहाँ पर जरूर पहुँचेंगे जहाँ पर पहले थे। झंडा का कलर देखे हैं, झंडा का कलर में सबसे पहला रंग कौन होता है? भगवा। और सबसे निचला रंग कौन सा होता है? हरा। तो भगवा रंग आप समझिए कि बीजेपी है, और जो हरा रंग है वो आप उसको RJD मान लीजिए एग्जांपल उदाहरण के तौर पे। और बीच का जो झंडा है ना, बीच का जो कलर है वो कौन सा कलर होता है? वाइट, सफ़ेद, उसको आप मान लीजिए जदयू। अब ये आप देखिए कि ये दोनों कलर के बीच में रहता है, यानी ये दोनों के बीच में एक मतलब परिवर्तन के तौर पर रहता है और दोनों में सम्मिलित और समाहित रहता है। राजनीति ऐसी चीज है जो कभी कुछ भी हो सकता है। जदयू का पेट मिला हुआ है, नीतीश चाचा का नाम पहले नीतीश चाचा रखा गया, फिर पलटू राम रखा गया, अब इनका नाम महापलटू राम हो गया। अब घर वापसी है ना, अब इनका घर वापसी है, अब इनका कुछ नहीं होने वाला है। रही बात इलेक्शन की, तो 2025 में RJD बिहार से बहुमत से अपना सरकार बनाएगा और ये पूर्ण विश्वास है हमें। पॉलिटिक्स के जो हमारे नीतीश चाचा हैं वो आलू हैं, वो बैंगन के साथ भी अच्छे लगते हैं, मटर के साथ अच्छे लगते हैं, टमाटर के साथ अच्छे लगते हैं। वो ऐसे इंसान हैं बिहार के लिए जो कोई भी सब्जी इनकम्प्लीट है उनके बगैर। बैंगन के साथ बरी मिला दीजिए, उसमें भी आलू चाहिए आपको, वो बाइंडिंग एलिमेंट है। तो उनका पुनः घर वापसी हो रहा है। अगर बात रही आलू की, तो जब तक बिहार में रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि श्री राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, मोदी जी का तो भागुदय पहले भी था, अब और भागुदय उनका हो गया है, अब तो वो जो चाहेंगे वो श्री राम करेंगे। सिंपल बात, अब जो श्री राम चाह रहे थे वही हुआ है। सबसे पहले बिहार से ही शुरू हो गया है, बिहार में भी रामराज आ गया है। बताइए, बिहार में भी रामराज आएगा? हाँ, आ ही गया, हलचल चल रही, आने वाला है। आपको क्या लगता है कि हर कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा ही करेगा, चाहे आप करें चाहे हम करें चाहे कोई, वो करना ही करना है, और इससे क्या होगा कि जदयू का अस्तित्व मिट जाएगा। 40 सीट है यहाँ पे, 40 सीट में 40 सीट बीजेपी के खाते में गिर जाएंगे।
तो कम से कम जदयू बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वहां से गठबंधन तोड़कर और वो एनडीए के साथ गठबंधन करके अपना भविष्य को सही जगह पे रख रहा है। नहीं तो पता चलेगा कि जदयू के खाते में एक भी सीट ना आया एमपी का, और उसके बाद आपको पता है क्या होना है। तो